अमरावती में लोगों को धमकी देने के आरोप में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 4 लोगों से पूछताछ कर रही है और जिनसे पूछताछ की जा रही है उनमें नाम जो सामने आ रहे हैं वो एक डॉक्टर जिशान का नाम, डॉक्टर फैजान का नाम, राजक मिर्जा और अनीक अहमद। तो ये 4 नाम हैं जो अभी तक सामने आए हैं। अमरावती में लोगों को धमकी देने का सिलसिला एक शुरू हुआ था जिसके बारे में एबीपी न्यूज ने आपको जानकारी भी दी थी कि लोगों को बाकायदा फोन करके धमकाया जा रहा है। ऐसी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमने आपको सुनाई थी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस अब एक्शन में जरूर नजर आ रही है। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा समझते हैं सूरज ओझा से, ये 4 लोग जिनसे इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है वो जो धमकियों का सिलसिला था उससे इनका क्या कनेक्शन सामने आ रहा है सूरज? देखिए, जो धमकियों भरा वीडियो वायरल हुआ था कि लोगों से माफ़ी मंगवाई जा रही है, उसके बाद वो ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो इसी संदर्भ में 3 अलग अलग नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस अमरावती पुलिस ने दाखिल किया था जो कि आईपीसी की धारा 507 के तहत रजिस्टर्ड किया था। और इसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और बीती रात से 4 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, और ये पूछताछ इस वजह से कि आखिर क्या इनका कनेक्शन इरफान के साथ है, इरफान ने इनको इंस्टिगेट किया था, क्या धमकी के बाद ये कुछ और भी करने वाले थे जिस तरह से उन्होंने उमेश खुले के साथ किया। तो आपको बता दें कि इसमें जो राजिक मिर्ज़ा है वो रहबरिया एनजीओ में काम करता है, जिसको जिसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। तो राजिक मिर्ज़ा पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है सीआरपीसी की धारा 107 के तहत। अब पुलिस सूत्रों ने जो बताया कि हम डायरेक्टली नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन हम कोर्ट से परमिशन लेंगे ताकि इस मामले की जांच की जा सके और इन लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हम पता लगा सके। देखिए, बात धमकी से शुरू हुई थी और कत्ल पर जाकर ख़त्म हुई, तो काफ़ी संगीन मामला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब अमरावती पुलिस और भी एक्शन में आई है। अमरावती पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किया है लोगों के लिए और कहा है कि अगर नुपुर शर्मा के समर्थन अगर गलती से उन्होंने किया है, उसका पोस्ट फॉरवर्ड किया है और उन्हें धमकियां आ रही हैं, जैसे कि डॉक्टर्स को, मोबाइल शॉप ओनर्स को आ चुकी हैं, तो वो उस पर संदेश भेज सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, पुलिस तुरंत उन्हें प्रोटेक्शन देगी। तो देखिए, अब अमरावती में पुलिस काफ़ी हरकत में आई है क्योंकि जिस तरह से दबाव है। और दूसरा अपडेट देना चाहूँगा कि अभी हम कोतवाली पुलिस स्टेशन में हैं और कुछ ही समय में यहाँ से जो आरोपी हैं उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद एनआईए यहाँ से उन्हें मुंबई लेके जाएगी। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।